शुरुआत करते इस बुलेटिन की। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस पर अपने विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि वो अपने हर शब्द पर कायम हैं। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में केस खत्म करने की अपनी अपील को वापस लेते हुए कहा कि वो इस मामले में ट्रायल कोर्ट में केस लड़ेंगे। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा यू टर्न लिया है। राहुल ने कहा कि वो आरएसएस के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में केस लड़ेंगे। राहुल ने कहा कि उन्होंने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी को गोली मारी और वो अपनी इस बात के हर शब्द पर कायम है। हालांकि इससे पहले राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को खत्म करने की अपील की थी। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया था। तो हमने कहा कि जो हमने कहा है पहले उस पे हम कायम है, हम कोई और बयान नहीं देने वाले। और अगर आप समझते हो कि इसमें मामला स्पष्ट होना चाहिए तो हम तैयार हैं, हम अदालत में लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये अदालतों की तो लड़ाई है नहीं, अदालत में तो हम लड़ाई करेंगे ही करेंगे। राहुल के केस की सुनवाई अब महाराष्ट्र के भिवंडी की ट्रायल कोर्ट में होगी। राहुल के वकील कपिल सिब्बल ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल के पेश होने से छूट देने की अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट बिना इस बात से प्रभावित हुए कि इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस केस की सुनवाई करेगा। दो साल से कांग्रेस ट्रायल को फेस करने के लिए डर रही थी और भाग रही थी और बार बार उनके बयान से पलटी खा रहे। शायद कांग्रेस डरती है ट्रायल को फेस करने से। बहरहाल राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपने शब्दों पर कायम हैं। ऐसे में अब ये ट्रायल कोर्ट को तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। आरएसएस का कहना है कि अब वो इस मामले पर कोर्ट में राहुल गांधी से सामना करेंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को आज नहीं तो कल अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने पलटी खाई और कहा कि आरएसएस का नाम नहीं लिया था, कुछ आरएसएस के संबंधित लोगों ने किया है, ऐसा बचाव उन्होंने दिया था। अब ट्रायल कोर्ट पर जा रहे हैं, क्या निर्णय होता है देखेंगे, हो सकता है कि उनके पास में कुछ प्रमाण हो। एक नहीं अनेक बार कांग्रेस के कई नेता ने इस तरह के आरोप गढ़े और उसको देश की जनता ने खारिज किया है। कोई जरूरत नहीं है उनके इस बयान पर चर्चा करने की कि वो कब क्या बोलते हैं। दो बार यू टर्न उन्होंने किया है और फिर एक दिन जरूर वो इस पर माफी मांगेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में देश के लोगों की राय है और कांग्रेस की जो आज हालत हुई है उनके इसी तरह की गलतियों की वजह से आज कांग्रेस इस हालत में पहुंची है और इसका भारी नुकसान उनको आगे भी होना। आगे बढ़ते हैं। वायुसेना प्रमुख अरुण प्रहा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि यदि भारत ने वायुसेना का सही इस्तेमाल किया होता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा होता। उन्होंने कहा कि पीओके आज भी शरीर में कांटे की तरह चुभता है। रहा ने कहा कि 1971 तक की लड़ाइयों में भारत ने वायुसेना की ताकत को ना ही पूरा इस्तेमाल किया और ना ही व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। एयर चीफ मार्शल रहा ने कहा कि जब सैन्य समाधान हो सकता था तो इसे नैतिकता के धरातल पर ले गए और अब हम इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र चले गए। समस्या अभी भी जारी है और आज भी पीओके एक कांटे की तरह हमारे शरीर में चुभ रहा है। We did not apply ourselves adequately in achieving the end state after the conflict is over. In 1947, immediately after the independence, hordes of raiders from across the border, supported by the military and the government from across the border, tried to overrun the state of Jammu and Kashmir. The Indian army on ground was not strong enough. They didn't have enough boots on ground to react to this raiders and prevent them from overrunning Indian territory.
कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर यूएन जितना चाहे खत लिख ले, लेकिन इससे ये जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि ये भी जमीनी हकीकत है कि कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा किया है। आपको बता दें कि इससे पहले 12 अगस्त को दिल्ली से पीएम मोदी ने पीओके को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि पीओके जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है और बिना पीओके के लोगों को शामिल किए इसका हल नहीं निकल सकता। As far as the latest letter that has been written to the United Nations Secretary General, well, as I said, these are things we have seen before, and I have mentioned in a previous briefing that they can write as many letters as they want to. This will not change the reality on the ground. The reality on the ground is that Jammu and Kashmir is an integral part of India, and part of the Indian state of Jammu and Kashmir is under the forcible and illegal occupation of Pakistan. When we say POK, it is exactly that. It is Pakistan-occupied Kashmir. It is part of Indian territory, and we would obviously have concerns about any project happening there with any third party. Okay, jaisa ki videsh sachiv ne bhi abhi hal mein hi ek bayan mein kaha tha ki humanity does not stop at our borders. If we feel strongly about human rights violations happening in a particular part of the world, then we have every right to raise those concerns. We will raise those concerns. We have raised those concerns in the past also. और अब बात करते हैं घाटी में आतंक पर कसे शिकंजे की। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने यहां दो आतंकियों को जिंदा धर दबोचा। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। दरअसल सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के पठान इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकियों को जिंदा धर दबोचा। सुरक्षा बलों का दावा है कि आतंकवादी लोगों को जुलूस निकालने के लिए धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के फिराक में दोनों आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। With this huge recoveries that we have made, I think this terrorist outfit has actually suffered a lot of damage, and we will try to get other members of this outfit as well as soon as possible. इधर सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को जिंदा धर दबोचा है। उधर सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा है। सुरक्षा एजेंसी के हाथ पुख्ता खबर लगी है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के जरिए आतंकी घाटी में घुसपैठ की फिराक में हैं। वहीं राजौरी में सीमा पार से हुई फायरिंग के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं घाटी में कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। श्रीनगर में कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद आज फिर पत्थरबाजी हुई। हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई है। आपको बता दें कि श्रीनगर में पिछले 55 दिनों से कर्फ्यू लगा है। आगे बढ़ते पाकिस्तान भारत को लेकर दुनिया भर में नफरत फैलाता है। कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देता है, लेकिन भारतीय डॉक्टरों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो पाकिस्तान के लिए सबक है। पेशावर के रहने वाले एक 9 साल के बच्चे का भारतीय डॉक्टरों ने दिल का सफल ऑपरेशन किया है। आज अहमद को नया जीवन मिला है। भारतीय डॉक्टरों की कोशिश हुई कामयाब, पाकिस्तानी बच्चे का दिल हुआ दुरुस्त। पाकिस्तान के अहमद को मिली जिंदगी। भारत में हुई अहमद की सफल सर्जरी। पाकिस्तान के पेशावर का रहने वाला अहमद अब बाकी बच्चों की तरह खेल सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है। अब उसे थकान महसूस नहीं होगी क्योंकि भारत में उसके दिल का सफल इलाज हुआ है। दरअसल अहमद जन्म से ही एक विशेष बीमारी से ग्रस्त था। ऐसे बच्चों को पाकिस्तान में ब्लू बेबी के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन अहमद के पिता अब्दुल को पेशावर में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भारत में जाकर इलाज कराने की सलाह दी और लुधियाना में संपर्क बनाने में पूरी मदद की और उसके बाद अब्दुल अपने बेटे को लुधियाना ले आए। यहाँ उनके बेटे का इलाज चला और अब सर्जरी के बाद बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त है। ये बच्चा पाकिस्तान से आया है हमारे पास। इसके हार्ट में काफी कॉम्प्लेक्स बीमारी थी जिसके लिए उसका एक ऑपरेशन पहले हो चुका है। ये ऑपरेशन आज से 4-5 साल पहले हुआ था, बट वो केवल पार्ट करेक्ट किया था। अब ये बच्चे का कंप्लीट ऑपरेशन के लिए हमारे पास आया था, जिसके लिए हमारी पूरी टीम ने इस बच्चे को इवेल्युएट किया, इसके स्टडीज की और एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करके आज बच्चे को इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। दरअसल अहमद जन्म से
दिल की बीमारी से पीड़ित था। नॉर्मल तौर पर ब्लड पंपिंग के लिए हार्ट के 4 हिस्से होते हैं, लेकिन इस बच्चे में जन्म से केवल 3 थे, जिसके चलते अहमद को खेलते वक्त सांस लेने में परेशानी होती थी। इसकी कंडीशन ऐसी थी कि बच्चा खेल नहीं पाता था। नॉर्मल बच्चों के साथ, अपने हम उम्र बच्चों के साथ जब खेलता था तो जल्दी थक जा रहा था, हांफ जा रहा था, इसमें नीलापन भी था, और ये बच्चा की ग्रोथ उतनी नहीं थी जितने सामान्य इतनी उम्र के बच्चों की रहती है। तो ये प्रॉब्लम्स थी और इसके फादर काफी परेशान थे जब हमारे पास आए थे। इस सर्जरी का अधिकतर खर्च हैव द हार्ट फाउंडेशन और अस्पताल प्रबंधन ने उठाया है। वहीं अपने बेटे के सफल इलाज के बाद अहमद के पिता काफी खुश हैं और भारतीय डॉक्टरों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। डॉक्टर ने बताया जो सेकंड सर्जरी इसका जो मेजर है थोड़ा मुश्किल है। जो हमारा फ्रेंड था उसने मुझे बताया था कि अगर मेजर सर्जरी दो SPS, इसको पता था पंजाब लुधियाना में था, उसके चले जाओ उधर करवाओ। मैं इधर आया, यकीनन जो उसने बताया था वो सच बताया था, मैंने देखा है। हमारा 15 जुलाई से आया हूँ, सर्जरी हुआ 1 महीना हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आपको बता दें कि पेशावर से बच्चे को 15 जुलाई को अस्पताल में दाखिल कराया गया था, 3 अगस्त को उसकी सर्जरी हुई थी और अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। 9 साल का अहमद अब बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।